एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दी होम मेकर स्टाइल कॉर्नर। और ये बोलते हैं मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है बिकॉज काफ़ी टाइम के बाद मैं इस तरह से कोई वीडियो शूट कर रही हूँ। एक्चुअली आई वॉज लिटिल अनवेल, दैट इज़ वाई आई कुडंट पोस्ट एनी वीडियो लास्ट वीक। ऑल्दो मैंने एक दो शॉर्ट वीडियोज पोस्ट करी थी अपने चैनल पे, आई डोंट नो आपने वो देखी है या नहीं देखी है। एज आई गेट लिटिल बेटर आई थॉट लेट्स स्टार्ट शूटिंग टुडे ऑनली। गाइस इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट मच हाइप स्किन केयर प्रोडक्ट दिस डेज, जिसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है। हर छोटे से बड़ा यूट्यूबर इसके बारे में बात कर रहा है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ फेस सीरम दैट इज L'Oreal Paris Revitalift 1.5% प्योर हाइलुरोनिक एसिड फेस सीरम। ये है इसकी बॉटल। इस सीरम की बात आजकल ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है इंडिया में। ऑल्दो इंटरनेशनल मार्केट में ये प्रोडक्ट काफी टाइम से है एंड US का ये नंबर वन सीरम माना जाता है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट रेटेड सीरम इन US एंड अफोर्डेबल रेंज की अगर बात की जाए तो ये काफी अच्छी इसकी रैंकिंग है और बहुत ही ज्यादा डिमांड में रहता है ये सीरम। सो आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई दिस प्रोडक्ट सिंस लॉन्ग। काफी अच्छे रिव्यूज मैंने इसके बारे में पढ़े थे बट जब भी मैं इसे स्टोर में यहाँ पे लेने जाती थी ये हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता था, मुझे कभी मिलता ही नहीं था बिकॉज ऑफ इट्स हाई डिमांड और मैं कोई और दूसरा सीरम लेकर उठाकर आ जाती थी। बट व्हेन आई केम टू नो दैट दिस प्रोडक्ट हैज बीन लॉन्च इन इंडिया, सो आई थॉट दिस इज द राइट टाइम टू ट्राई दिस प्रोडक्ट एंड शेयर माई रिव्यूज, शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू गाइज। देन आई परचेज दिस सीरम फ्रॉम L'Oreal Paris ऑनलाइन साइट एंड लकीली आई गॉट माई हैंड्स ऑन इट एंड अभी से 15-20 डेज हो चुके हैं मुझे यूज करते हुए। आप देख सकते हैं, यू कैन सी द बॉटल, इतनी क्वांटिटी ऑलरेडी मैं इसकी यूज कर चुकी हूँ एंड नाउ आई एम इन पोजिशन टू शेयर माई रिव्यू एंड एक्सपीरियंस विद यू गाइज। सो गाइज इस वीडियो में आपके साथ मैं सब कुछ डिटेल में शेयर करूंगी बिकॉज आपको पता है कि मेरे जो रिव्यूज होते हैं वो थोड़े से डिटेल में होते हैं एंड मोर ओवर इट्स अ मच हाइप्ड एंड टॉप रेटेड प्रोडक्ट, तो आई थिंक इसका जो रिव्यू है वो भी डिटेल में होना चाहिए। आपको इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, राइट? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसकी पैकेजिंग वगैरह के बारे में, इसके इंग्रीडियंट्स, क्वांटिटी एंड ऑल, एंड उसके बाद आई टेल यू समथिंग अबाउट हाइलुरोनिक एसिड बिकॉज आई डोंट थिंक सो सबको हाइलुरोनिक एसिड के बारे में पता होगा। सो आपको अगर ये प्रोडक्ट यूज करना है तो हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट्स आपकी स्किन के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगी हाइलुरोनिक एसिड के बारे में एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस सीरम को यूज कैसे करना है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। लास्टली आपके साथ मैं शेयर करूंगी इसके रिजल्ट्स कि कैसे इस प्रोडक्ट ने मेरे लिए वर्क किया है, ये अच्छा है ये नहीं है, आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अपना रिव्यू एंड एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करूंगी। अगर आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन आपके काफी काम आने वाली है। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सो गाइज सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी इसकी आउटर पैकेजिंग से। सो रेड और वाइट कलर की काफ़ी अच्छी कार्डबोर्ड पैकेजिंग है इसकी एंड बाहर से ही आउटर पैकेजिंग पे ही सीरम के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ में बताया गया है। फ्रंट साइड पर सीरम का पूरा नाम है, देन इसकी क्वांटिटी दी गई है, इट्स 30 ml, और दूसरी साइड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंशन किया है कि इट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड डर्मेटोलॉजिस्ट की गाइडेंस में ही इस प्रोडक्ट को टेस्ट किया गया है, सो इट्स 100%। देन इसी साइड पर इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी मेंशन किए हैं एंड नेक्स्ट साइड पर इस सीरम की तीनों कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताया गया है, लाइक 1.5%, 0.5% एंड 1% हाइलुरोनिक एसिड के क्या बेनिफिट्स होते हैं आपकी स्किन के लिए एंड इसके रिजल्ट्स भी मेंशन किए हैं, लाइक इस सीरम को अप्लाई करने के बाद इमीडिएटली एंड इन 1 week, इन 2 weeks आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड जो लास्ट साइड है उसमें लिखा गया है कि ये हर स्किन टाइप वालों को सूट करेगा, ये नॉन ग्रीसी है, दिस इज़ पैराबेन फ्री, डाई फ्री, फ्रेग्रेंस फ्री, मिनरल ऑयल फ्री एंड साथ में इसकी डायरेक्शंस भी दी गई हैं कि कैसे इस सीरम को अप्लाई करना है। नाउ अब मैं आपको दिखाऊंगी सीरम की बॉटल। सो इट कम्स इन दिस ब्यूटीफुल ग्लास बॉटल एंड जनरली मैंने जितने भी सीरम्स देखे हैं वो ग्लास बॉटल में ही देखे हैं, प्लास्टिक बॉटल में आई हैवन सीन। इसके साथ ये ड्रॉपर भी आता है एंड इससे इजीली आप सीरम को ले सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर पैकेजिंग गाइस, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। सो गाइज अब बात कर लेते हैं हाइलुरोनिक एसिड के बारे में। सो बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड एक तरह का मॉलिक्यूल होता है जो कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी नेचुरली इसे प्रोड्यूस करती है एंड इसकी सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो पाई जाती है हमारी कनेक्टिव टिश्यूज में, स्किन में एंड आईज में। सो इट्स मेन फंक्शन इज टू रिटेन वाटर, टू कीप आर टिश्यूज वेल लुब्रिकेटेड एंड मॉइस्चराइज। सो ये बाहर से जितना भी मॉइस्चर होता है, वाटर होता है, वो अट्रैक्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है एंड इट जस्ट सक इन टू आर स्किन। इट हैज़ द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर अप 1000 times इट्स वेट इन वाटर, मीन्स जितना इसका खुद का वेट है उससे 1000 गुना ज्यादा पानी ये होल्ड कर सकता है। इसी हाइलुरोनिक एसिड की वजह से हमारी जो स्किन है वो काफी मॉइस्चराइज और हाइड्रेटेड फील होती है एंड काफी यंग लगती है एंड कोई फाइन लाइंस और रिंकल्स आपको नहीं दिखते हैं जब आप यंग होते हैं। बट बिकॉज ऑफ नेचुरल एजिंग प्रोसेस, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है एंड बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो लाइक एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, पोल्यूशन, वैसे वैसे हाइलुरोनिक एसिड की जो मात्रा होती है हमारी बॉडी में वो कम होती जाती है एंड जिसकी वजह से हमारी स्किन पे रिंकल्स और फाइन लाइंस आना शुरू हो जाते हैं एंड दैट इज
इज कॉल्ड एज एजिंग प्रोसेस। एज वी एज वी स्टार्ट लूजिंग हाइलुरोनिक एसिड विच लीड्स टू लैक ऑफ फर्मनेस एंड ड्राइनेस, एंड इसी वजह से डर्मेटोलॉजिस्ट रेकमेंड करते हैं हाइलुरोनिक एसिड को टॉपिकली यूज करना, जैसे अपनी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, विटामिंस लेते हैं, उसी तरह से अपनी स्किन कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए रेकमेंड किया जाता है कि आप हाइलुरोनिक एसिड को ओरली इनकॉर्पोरेट करें अपनी स्किन में, जिसकी वजह से हमारी स्किन यंग रहे एंड जो एजिंग साइंस हैं वो थोड़े से डिले हो जाए। एंड आजकल तो मार्केट में भी ऐसे बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, स्किन प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें मेन इंग्रेडिएंट होता है हाइलुरोनिक एसिड, जैसे फाउंडेशन, कंसीलर, सीरम्स, देन बहुत सारे मॉइस्चराइजर आ चुके हैं जिसमें हाइलुरोनिक एसिड मेन इंग्रेडिएंट है। एंड आजकल बहुत ज़्यादा हाइप है। मोर ओवर जो आर्टिफिशियल जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं, स्किन ट्रीटमेंट्स लाइक बोटॉक्स, फिलर्स जो होते हैं जिससे आपकी स्किन प्लम्प रहे एंड यंग रहे, एजिंग साइंस को डिले करने के लिए जो स्किन ट्रीटमेंट्स होती हैं उसमें भी हाइलुरोनिक एसिड ही मेन इंग्रेडिएंट होता है। सो हाइलुरोनिक एसिड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन। अगर आपकी स्किन आप चाहते हैं कि काफ़ी टाइम तक यंग रहे एंड एजिंग साइंस जो है वो जल्दी ना आए, तो हाइलुरोनिक एसिड को अपने स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस सिरप को आप अपनी मॉर्निंग एंड नाइट स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। अपना फेस वॉश आप अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद जो भी आप टोनर अप्लाई करते हैं वो कीजिए, एंड देन डैम स्किन पर आपको इस सिरप को अप्लाई करना है। जस्ट 3 से 4 ड्रॉप्स आपको लेने अपने हैंड्स पे, रब करिए एंड देन डैब डैब करके अपने फेस पे आप इसे लगा लीजिए, और फिर उसके बाद आपको अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करनी है। मसाज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, सो 1 से 2 मिनट लगाइए, अच्छे से मसाज करिए इससे, एंड इट सूट्स ऑल स्किन टाइप्स। अगर आपकी ऑयली स्किन भी है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप इसे यूज कर सकते हैं। इट्स लाइट वेट, नॉन ग्रीसी, आपके पोर्स को भी क्लॉग नहीं करेगा। एंड गाइस अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्टली ड्रॉपर से भी लगा सकते हैं। जस्ट 3 से 4 ड्रॉप्स आपको लेने हैं अपने फेस पे, इसे इस तरह से डैब डैब करके लगाना है सेम, एंड मसाज करनी है। एंड इसमें किसी तरह की फ्रेग्रेंस नहीं है, कलर नहीं है, आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट है ये एकदम। एंड लगाते ही इंस्टेंट हाइड्रेशन आपको इसे मिलेगी, बिकॉज ये बहुत जल्दी क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में। बट अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है तो आई वुड सजेस्ट यू कि इसके बाद आप थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, तो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, इससे हाइड्रेटेड फील होगी। सो दैट वॉज ऑल अबाउट हाउ टू यूज दिस सिरम। सो गाइज दिस प्रोडक्ट क्लेम्स दैट इट गिव्स इंटेंस हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन। इसे लगाने के बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज फील होगी, एंड विद इन 1 वीक, ओनली इन 1 वीक आपको इसके जो रिजल्ट है वो दिखना शुरू हो जाएंगे। इट कैन मेक योर स्किन मोर फॉर्मर एंड प्लम्प, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सपल आपको फील होगी इसे लगाने के बाद। एंड अगर आपके फेस पे फाइन लाइन्स और रिंकल्स आ रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे कम होंगे। ओवरऑल आपका जो टेक्स्चर होगा स्किन का वो इम्प्रूव होगा इससे, एंड आपको मिलेगी एकदम यंगर लुकिंग स्किन इसे लगाने के बाद। सो ये सारी चीज़ें क्लेम करता है ये प्रोडक्ट। सो गाइज अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसके रिजल्ट्स एंड मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस प्रोडक्ट के साथ वो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लुक एट माई स्किन गाइज, आपको मेरी स्किन कैसी लग रही है। एक्चुअली मेरे फेस पर इस टाइम बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं है, आई जस्ट अप्लाइड दिस सिरम, उसके बाद मैंने टेंटेड मॉइस्चराइजर लगाया है, थोड़ा सा क्रीम ब्लश, काजल, आईब्रोज, लिपस्टिक एंड आई एम सॉर्टेड। मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज माई स्किन लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई जस्ट लव माई स्किन राइट नाउ, इट फील सो प्लम्प, इट फील सो मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेटेड। एंड For this video, I didn't want to do a lot of makeup. I wanted to keep it as real as possible because आप भी अच्छे से मेरी जो स्किन में डिफरेंस है वो नोटिस कर पाएं। आई डोंट नो आप कितना नोटिस कर पा रहे हैं या नहीं, बट मुझे पर्सनली मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने नोटिस करी हैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद, वो ये कि मेरी जो स्किन है बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज और हाइड्रेटेड फील होती है, बहुत ज़्यादा प्लम्प लगती है। इवन आफ्टर 6-7 आवर्स मुझे कुछ भी टचअप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइक पहले जब मैं कुछ भी लगाती थी मॉइस्चराइजर तो 7-8 घंटे के बाद मेरी स्किन जो है वो थोड़ी सी ड्राई फील होना शुरू हो जाती थी। ऑल्दो माई स्किन इज नॉट दैट ड्राई, माई स्किन इज नॉर्मल, बट स्टिल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो स्किन जो है वो ड्राई फ्लेकी सी हो ही जाती है। बट इसे जब से मैं यूज़ कर रही हूँ मुझे आई एम फीलिंग वेरी गुड, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा प्लम्प लगती है। एंड इसे लगाने के बाद मैं थोड़ा सा मैं मॉइस्चराइजर लगा देती हूँ एंड दैट्स इट, आई एम सॉर्टेड फॉर 8-9 आवर्स, मुझे कुछ भी टचअप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे मैं सिरम को यूज़ कर रही हूँ डे बाई डे मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, मेरा जो ओवरऑल टेक्स्चर है स्किन का वो काफ़ी अच्छा हो रहा है एंड फेस पे एक अलग सा ही ग्लो है, रेडियंस है। आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं नहीं, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है सिरम। आई एम रियली अमेज्ड टू सी हाउ दिस सिरम
सीरम हैज़ वर्क फॉर मी। मेरे लिए तो इसने बहुत अच्छे से काम किया है, मेरी स्किन पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, फ्रेश लगती है, अलग से ग्लो लगता है फेस के ऊपर एंड बार बार फेस को ना टच करने का मन करता है। एंड आई थिंक ये सारी चीज़ें सिर्फ मैं नोटिस नहीं कर रही हूँ, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड मुझसे पूछ रहे थे कि आजकल मैं फेस पे क्या लगा रही हूँ, माई स्किन इज़ एक्चुअली लुकिंग रियली गुड। एंड आई पर्सनली फील जब हमारी स्किन अच्छी होती है तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है और हैप्पीनेस होती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है। आई डोंट नो आप क्या सोचते हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, बट पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी स्किन जो होती है वो अच्छी हेल्दी फील होती है, तो आई रियली फील गुड। इन क्रक्स आई वुड से दैट दिस प्रोडक्ट हैज़ वर्क्ड वंडरफुली फॉर माई स्किन एंड मुझे इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। 15-20 दिन में ही मुझे विजिबल डिफरेंस देखने को मिले अपनी स्किन पे। तो जैसे ये प्रोडक्ट क्लेम करता है वैसे आपको रिजल्ट्स भी इसके देखने को मिलेंगे। आपको बस इसे यूज़ करना है लगातार 15-20 दिन तक, तो आपको डेफिनेटली इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड आई एम कम्प्लीटली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स एंड नाउ आई रियलाइज व्हाई इट्स टॉप रेटेड सीरम इन US एंड आई वुड हाईली रिकमेंड टू यू गाइज ऑल्सो। अगर आपको अफोर्डेबल रेंज में अच्छा सीरम देख रहे हैं तो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। आप चाहें तो इसका छोटा बॉटल जो आता है 15 ml वाला वो भी आप ले सकते हैं, वो आप ट्राई करके देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है, सूट कर जाता है, तो आप डेफिनेटली इसका बड़ा बॉटल खरीद सकते हैं। एंड ये आपको लोकल स्टोर्स में मिल जाएगा, अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं। लोकल स्टोर्स से अगर आप परचेज करेंगे तो आपको जो MRP होगा उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, बट अमेजोन से आपको थोड़ा सा हो सकता है प्राइस कम पड़े, तो वहां से परचेज कर सकते हैं। सो गाइज अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हेल्दी रहे एंड विदाउट मेकअप ऑल्सो यू लुक गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल, सो डू ट्राई दिस प्रोडक्ट वंस, यू गोना श्योरली लव इट। बहुत अच्छा लगेगा आपको, मैं इसकी गारंटी देती हूँ। सो ट्राई करके देखिए एंड कैसे रिजल्ट आपको मिलते हैं मेरे साथ जरूर शेयर करिए। एंड अगर आप पहले ही सीरम को यूज कर चुके हैं तो प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर करिए अपने रिजल्ट्स, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके फीडबैक्स एंड कमेंट्स पढ़ के। सो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए जरूर। एंड अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ पूछना चाहते हैं आप इस सीरम के रिलेटेड, तो ये भी आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आप मुझे थोड़ा सा और पर्सनली अच्छे से जानना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिए, मैं उसमें अपनी पर्सनल लाइफ अपडेट्स, रील्स एंड और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है sharmapreetipankaj। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द एक न्यू अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एंड लव यू ऑल।